भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सबका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में। बहुत सी खबरें लगी हैं तो पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे शारदा देवी बहन जो मैनपुरी से आती हैं, उनके बेटे ने वीडियो बना करके ऑल इंडिया को भेजा था, वो चैनल पर दिखाया जा चुका है। पोषण अभियान पोर्टल पर कैसे पोषण माह की जो फीडिंग है, डाटा एंट्री यानी करनी होती है, फोटो अपलोड करनी होती है, उसका वीडियो उन्होंने बना के भेजा है, जिसको चैनल पर हमने डाल दिया है। बहुत से भाई बहनों ने हो सकता है देख भी लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा उसको जरूर देख लेना। अब आपको बता दें दुखद समाचार भी आया है, जनपद मैनपुरी में तैनात रही प्रभारी डीपीओ रेखा रानी मैडम का निधन हो गया, इसकी भी सूचना जो है यहां पर शारदा देवी बहन ने भेजी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को कि एक वीडियो भी बना करके अपने बेटे से भेजा है, और साथ ही साथ जो एक ये बड़ी खबर भी वहां से आई है मैनपुरी से। इनके अलावा आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख देना। बाकी आपको बता दें यहां पर सना अंसारी बहन जो उत्तराखंड से आती हैं, उन्होंने एक यहां पर खबर भेजी है। दरअसल उत्तराखंड में देखने को क्या मिला, बाल विकास के जो राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड राज्य में रेखा आर्या जी, बोला गया आंगनबाड़ी बहनों से कि रेखा आर्या जी आने वाली हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, रेखा जी आई ही नहीं। आंगनबाड़ी बहने ने बेचारी ने जो पूरा वहां पर पूरा काम किया, सब कुछ यानी हर एक तरह से सजावट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जिनके लिए सब कुछ हुआ वो वहां पर आई ही नहीं। इस तरह से जो है यहां पर काफी बहनों को आहत वगैरह होना पड़ा। बाकी देख सकते हो इस तरह के और भी मैटर आए हैं। दीपा गुप्ता बहन संभल जिले से आती यानी उत्तर प्रदेश राज्य में, यहां पर भी ऐसा ही मैटर एक देखने को मिला। पहले बोला गया कि जो 10 बजे आंगनबाड़ी बहने वहां पर पहुंच जाए। ये देखिए 4 सितंबर 2001 को आंगनबाड़ी आशा बहनों को 10 बजे एक जो है यहां पर बुलाया गया था कि वहां पर मीटिंग होगा, ट्रेनर आएंगे, लेकिन ट्रेनर वेनर कोई नहीं आया, 1 बजे तक वहां पर कोई पहुंचा ही नहीं। अब बताओ इस तरह से जो है बहनों का ये अपमान जैसा ही तो है, 10 बजे खाली फोकट में बुला लिया जाता है और 1-1 बजे तक बहनें वहां पर वेट करती रहती हैं, ना कोई ट्रेनर दिखाई देता है ना कोई और दिखाई देता है, ऐसे में उनका समय भी बर्बाद होता है और भूखी प्यासी बहनें बेचारी ब्लॉकों पर जाकर के बैठ जाती हैं। इस मामले में हमारे विभाग को थोड़ा सोचना चाहिए। आगे आपको बता दें एक और यहां पर खबर आ रही है जो कि कार्यालय बाल विकास परियोजना जो है उदा किशन गुंज वगैरह लिखा हुआ माधेपुरा में ही ये पड़ता है, और यहां पर जो भी परिवेक्षिका है जो भी सेविका है इन सबको भेजा गया है। तो उदा किशुनगंज लिखा हुआ है, यहां पर पोशाक राशि जो है वो डीबीटी करने हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे जो बच्चे हैं या अभिभावक हैं उनका खाता नंबर उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। इसमें नीचे साफ शब्दों में लिखा है कि यहां पर सूचित किया जाता है कि बच्चों को पोशाक राशि यानी ड्रेस का जो पैसा है वो बच्चों के अभिभावकों का खाता नंबर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीबीटी करने हेतु आपके बच्चों के अभिभावक का खाता नंबर की मांग की गई थी, परंतु दिया गया खाता नंबर आईएफएससी कोड गलत रहने के कारण डाटा ऑपरेटर द्वारा असंतोष वगैरह व्यक्त की गई है तथा बैंक द्वारा भी तैयार किए गए जो है यहां पर एडवाइस कुछ लिखा हुआ उसको वापस कर दिया गया है, जबकि वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा बार बार अधोस्ताक्षरी को निर्देशित किया जाता है कि शत प्रतिशत बच्चों का पोशाक राशि डीबीटी करना सुनिश्चित करें, परंतु आपके द्वारा इतने महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की जा रही है जो आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही द्वारा जो है स्वच्छारित वगैरह को दर्शाता है। अभी आप देख लीजिएगा आपके विरुद्ध इस कृत्य के लिए विभागीय कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को लिख भी दिया जाए। तो इस तरह से 4 सितंबर को एक लेटर जारी किया गया है माधेपुरा में। आप देख सकते हो जो भी बच्चे वहां के ड्रेस का पैसा के भुगतान के बारे में बोला जा रहा है, यहां पर सुपरवाइजर और सेविका बहनों दोनों लोगों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। अब इनके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे विभाग में बहुत सी कमियां हैं, इनमें से एक कमी यह भी है। गीता मौर्य बहन देवरिया जिले से आती, उन्होंने एक समस्या को भेजा। जिला देवरिया वगैरह में आप देख सकते हो यहां पर राशन वितरण के समय सीता बहन है उनके साथ में मारपीट की वारदात हुई है, जिसके संबंध में उन्होंने बहन ने हमें एक वीडियो भी भेजा हुआ है ये। और इनके अलावा ये अखबार में भी जो अमर उजाला में निकला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बदसुलूकी की जांच भी कराई जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है संपूर्ण समाधान दिवस, कुल 99 मामले यहां पर देखने को मिले, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन का भी एक मामला सामने देखने को मिला है। आपको बता दें कि विकास खंड भटनी के ग्राम जो है सवरेजी वगैरह में तैनात है दलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सीता देवी जी, उन्होंने जिलाधिकारी से स्थानीय प्रशासन को शिकायत करते हुए कहा है कि वहां पर कुछ जो है गांव के कुछ युवक हैं, उन्होंने 30 अगस्त को खाद्यान्न वितरण के दौरान उनके साथ उनके परिवार को मारा पीटा है, बदसुलूकी की है। अब तक स्थानीय प्रशासन ने कुछ उनके बारे में नहीं किया है। डीएम ने एसडीएम व सीओ को
तत्काल जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया हुआ है। खैर, दबंगई के चलते काफी लोग जो है अपनी अपनी धौंस दिखाते हुए जो भी दलित वर्ग से वर्कर बहनें आती हैं उनको परेशान गांव में करते रहते हैं। ऐसे वाक्यों को लेकर के हम हमेशा बहनों को यही सलाह देते हैं कि डीएम कार्यालय जाओ और तभी आपकी मांग हो पाएगी। आप अपने मौके पर जो है ब्लॉकों पर स्थानीय पुलिस के चक्कर अगर काटती रहेंगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसे महसूस होने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती हैं समय पर समय बीत जाता है लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएम कार्यालय जाओ, शायद वहां से आपकी सुनवाई हो जाए। अभी आप देख सकते हो तो यहां पर बहन को आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द यहां पर इस मामले में सब होगा और सीओ वगैरह को भी जो है तत्काल बोल दिया गया। अब हो सकता है, उम्मीद है कि बहन को जल्द ही न्याय मिल जाएगा। इन बहन का मैटर हमारे पास पहले भी बहन ने भेजा था। बाकी हरिभूमि वगैरह में भी एक खबर निकली है, जबलपुर विंध्य भूमि वगैरह से 4 सितंबर को आप देख सकते हो सतना पड़ता है जिला, वहां से यह खबर आ रही है। कलेक्ट्रेट में विराट प्रदर्शन, कई महिलाएं वगैरह जो है वहां पर चक्कर खाकर भी गिर गई थी। पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा, शंभू जी का ऐसा बयान भी आया। दरअसल आंगनबाड़ी वर्कर बहन ही है, इनके ही साथ ऐसा मामला हुआ है। जाने क्यों ऐसे मामले बार बार वर्कर बहनों के साथ में ही आते हैं। सपना से एक मैटर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियमित करने तथा रसोईया माता को कलेक्ट्रेट दर से वेतन दिए जाने की मांग को लेकर के शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में विराट प्रदर्शन भी देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें यहां पर प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच में जमकर जो है यहां पर झूमा झपटी भी हुई है। तो फिलहाल के लिए गर्मी भी बहुत ज्यादा थी तो बहुत सी बहनें चक्कर खा करके वहां पर गिर भी गई हैं। प्रदर्शनकारी इतने जोश में थे कि वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे पूरी किए जाने की मांग कर रहे थे। इस बीच प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे शंभू चरण दुबे ने मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके जैन से शिकायत की है कि पुलिसकर्मियों ने लाठी मारी है और बदसलूकी भी की है। नेतृत्व करना शंभू चरण दुबे ने चेतावनी दी है कि अब जो है अगर बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों को 3 दिन के अंदर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो इसमें जो है एक बड़ा आंदोलन भी आगे किया जाएगा। खैर, देखते हैं अब तक बहनों को वहां पर न्याय मिलता है। ये काफी बहनें जो है यहां पर अखबारों में निकला है कि जो है चक्कर खा के गिर गई हैं, लेकिन उनका भी ये भी कहना है कि जो है बहनों के साथ बदसलूकी हुई है, मां की लाठी वगैरह चार्ज भी हुआ है। आगे आपको बताना चाहेंगे, पूनम सिंह बहन गोरखपुर से आती हैं, उन्होंने भी इस तरह का एक मैटर भेजा है। गोरखपुर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने यहां पर भी चक्का जाम किया है। पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में सड़क पर बहनें जो है यहां पर प्रदर्शन करती नजर आई हैं। आपको यहां पर बता दें कि यहां पर जो आक्रोशित कार्यकर्तियों ने शनिवार को करीब जो 3:15 पर बांसगांव चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। आधे घंटे तक पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी जमकर के की गई है और वहां पर चलते आवागमन को जो है बंद करना पड़ गया था। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहां पर सितंबर की दोपहर में वासगांव थाना क्षेत्र ग्राम जो है लोनाओं के प्राथमिक विद्यालय के स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गांव के अर्जुन चौरसिया, संदीप चौरसिया तथा मुन्ना चौरसिया ये जा धमके और केंद्र पर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दुर्गा राय का आरोप है कि उक्त तीनों जो है यहां पर मनवर उनके जो है जवरिया खाद्यान्न लेकर के जो है करने लगे। जब उन्हें मना किया गया तो तीनों जो है मनवर उन्हें गालियां देते हुए पिटाई करने लगे, साथ ही जो है अभिलेखों को भी जो है फाड़ने लगे। इस बीच पहुंचे गांव के जो है यहां पर गांव के जो लोग होंगे, गांव के प्रधान ने भी जो है वीर का इसमें लिखा गया कि बीच कर बेहोशी की हालत में पड़ी दुर्गावती को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अब ये देखो जो भाई ग्राम प्रधान वहां पर खुद मौजूद हैं, वही अस्पताल लेकर के गए बेहोशी की हालत में, तो मैटर तो कुछ ना कुछ हुआ है। इसीलिए यहां पर दुर्गावती जी के साथ जो भी हुआ उस मैटर पर जो है जल्द से जल्द आगे बताया जा रहा है कि पुलिस कुछ नहीं करती है तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा देखो दर्ज हो नहीं रहा, हिला हवाली यहां पर बढ़ती जा रही है। इस तरह का मैटर देखने को मिला है। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन के अध्यक्ष तंजली मोर्या के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष नूतन राय, कांति देवी, मीना मिश्रा, उषा सिंह ऐसे बहुत सी बहनें वहां पे रही हैं और इस तरह से एक मैटर आया है। पता नहीं ये अभी हाल ही का है या फिर जो यहां पर काफी पहले का, 1 सितंबर की दोपहर का ये मैटर है तो मुझे लगता है सितंबर महीने इसी बीच का है। खैर, इस मामले में हमारे पास वीडियो नहीं आए हैं इस मैटर को लेकर के कि वहां पर अगर बहनें पहुंची भीड़ भाड़ हुई है तो वीडियो भी आने चाहिए थे। खैर, वीडियो नहीं मिल पाया है, ये यूनियन की बहनों ने ही अवगत नहीं कराया है। कल फोन तो एक आया था। आगे देख सकते हो स्मृति ईरानी 2 दिन में दर्जन भर से अधिक जो है कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली हैं। अमेठी से एक इस तरह की भी खबर यहां पर देखने को मिली है। तो ये स्मृति ईरानी जी जगह जगह जाने वाली हैं, तरह तरह के काम इनको करने हैं। यहां पर एक राजीव शुक्ला जी हैं, उनकी माजी का जो है निधन हो गया था तो वहां पर 12:20 पर उनके वहां पर भी ये पहुंचने वाली थी। फिलहाल के लिए ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। इनके अलावा किरण यादव बहन सीतामढ़ी से हैं। बड़ी खबर तब होती है जब पता चल जाए कि कहां पर कौन मंत्री और नेता आ रहे हैं, तो ऐसे में बहनें भी और यूनियन वाले भी वहां पर अगर सचेत हो जाएं और उनसे जाकर के मुलाकात करें, अपनी समस्याएं बताएं,
सरकार की जुमलेबाजी का या तो विरोध करें तो फिर यहां पर ये खबरें बताने लायक होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने तमाम बार बताया लेकिन कोई जाकर के कहीं पर भी विरोध दर्ज नहीं करता है। किरण यादव बहन सीतामढ़ी से, वहां से भी हमारे पास एक मैटर आया है, उन्होंने भेजा है अपने वहां से कि फोटो भेजिए बहन ने। इनके अलावा जो है यहां पर एक ये यहां पर भाई लोग भी हैं। यहां पर दरअसल को चयन किया गया है यूनियन की तरफ से, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से मैटर आया है, एटक से संबंधित है जिला सीतामढ़ी का ये लेटर। और जिला अध्यक्ष वहां की रेखा कुमारी जी हैं, संयोजक जो है राम भुजावन यादव जी हैं। और इसमें लिखा गया है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डुमरा ग्रामीण वगैरह से, यहां पर देख सकते हो डुमरा। साथ ही आप देखो आपको बता दें इसमें चयन किनका हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय देखो लिए गए हैं, श्रीमती सीता देवी जी इनको भी जो यहां पर परियोजना अध्यक्ष के लिए चुना गया है। और यहां पर आप देख सकते हो बाकी सर्वसम्मति से सचिव पद पर श्रीमती जहां पर शायद रोविला जी लिखा हुआ, रोविला कुमारी, इनको जो चुना गया है केंद्र संख्या 38 से आती हैं। और तीसरा है सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष पद पर श्रीमती वीणा कुमारी जी को चुना गया है। और चौथे नंबर पर सर्वसम्मति से जो है यहां पर संयोजक पद पर सेविका श्रीमती रितु कुमारी जी को चुना गया है। तो कमेटी को यह निर्देश दिया जाता है कि एक माह में हर पंचायत कमेटी के गठन कर लें तथा सदस्यता अभियान चला करके सेविकाओं को सदस्य भी बनाए। इस तरह से वहां पर मैटर आया है। बाकी आपको बता दें ये एक बहन है यहाँ पर माधवी बहन, जो कि जालौन जिले से आती है, पोषण माह 2021 उन्होंने मनाया है, पोषण वाटिका की फोटो भेजी है। आप देख सकते हो कितनी सारी सब्जियां यहाँ पर बहन ने जो क्रॉप करके इसे रखी हुई हैं और यहाँ पर लगाई हुई हैं। दरअसल ये रियल फोटो मुझे नहीं लगती है क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहां से यहां तक फोटो बहन ने क्रॉप करके डाली है। खैर कोई बात नहीं है, जो भी है जैसा है, विभाग भी क्या कर रहा है, विभाग वाले भी तो है प्रचार प्रसार ही सिर्फ करवाना चाहते हैं। बाकी हकीकत में अगर लाभार्थियों की सेहत सुधारनी हो तो भैया घटिया क्वालिटी का राशन पानी क्यों पहुंचाया जा रहा है, इन बातों पर भी तो सोचना चाहिए। अब आगे आपको बता दें एक मैट माधवी बहन ने की ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो भाषात्मक विकास के लिए है, सेब पर आधारित है, सभी फलों में सेब है न्यारा न्यारा, लाल लाल सा प्यारा प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता डॉक्टर को दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब खिला दे वरना एप्पल जूस पिला दे। इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बच्चों को भी पसंद आएगा, उनको भी गा करके सुनाइएगा किन पर। अब आगे आपको बता दें भर्ती वाले जिले आप लोग देख लीजिएगा, धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है। अमरोहा, औरैया, भदोही, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, जालौन, खीरी, मैनपुरी और मेरठ। खीरी का मतलब लखीमपुर खीरी। अब इस तरह से इतने जिले रह गए जहां पर भर्ती चल रही है, इनमें से काफी जिले धीरे धीरे जो हटते चले जाते हैं, मैं आप लोगों को अपडेट लाता रहता हूं। अब आगे बात करते हैं, यहां पर एक मैटर आया, मीरा शुक्ला बहन सिद्धार्थनगर से आती है और सिद्धार्थनगर से यहां पर सीडीपीओ का लेटर जारी हुआ इटवा वगैरह परियोजना से, समस्त सेविकाएं और मुख्य सेविकाएं दोनों लोगों को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, कार्यालय द्वारा ज्ञात हुआ है कि विगत कई माहों से मुख्य सेविका द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट, खाद्यान्न रिपोर्ट, जन्म मृत्यु पंजीकरण रिपोर्ट, वजन रिपोर्ट, लाभार्थी पंजीकरण रिपोर्ट, ड्राई राशन अभिलेख, पूर्ण एवं अपूर्ण की संख्यात्मक सूचनाएं भी प्रेषित नहीं की गई है, विसंडी तथा मासिक भ्रमण रिपोर्ट तथा अन्य चाही गई सूचनाएं नहीं प्राप्त कराई गई है, व्हाट्सएप पर चाही गई सूचनाएं आप लोगों द्वारा प्राप्त कराने के उपरांत भी तथा व्यक्तिगत दूरभाष पर सूचना मांगने के बावजूद भी सूचनाएं आप लोगों द्वारा नहीं दी जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट जो आप लोग द्वारा ऑनलाइन फीड कराया गया है, उनमें तमाम खामियां सामने आई हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि आप लोगों द्वारा प्राप्त जो मासिक प्रगति रिपोर्ट है बिना अवलोकन के ही ऑनलाइन करा दी गई है। तो इस तरह का एक मैटर देखने को मिला है। इसमें बोला गया है कि निर्देश देने के उपरांत भी आपके कार्यों में सुधार नहीं हो रहा है तो ये जो है यहां पर अपने कार्यों में तत्काल सुधार कर लें। इस तरह से कड़ी चेतावनी यहां पर भी जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी सिद्धार्थनगर से उन्होंने जारी की हुई है। अब आगे आपको बता दें एक मैटर और आया है, उषा देवी बहन कानपुर देहात से आती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहां पर पोषण किट वगैरह देखो दी गई हैं। इस तरह से आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी पोषण किट, ये मैटर आया पुखराया वगैरह में छपा हुआ है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देने से कोई यहां पर सेंस नहीं बनता है, आंगनबाड़ी बहनों ने लाभार्थी महिलाओं को जो है पोषण किट थमाई है, इस तरह से उनको लिखना चाहिए था, खैर यहां पर गलत छपा गया है। आगे बात करते हैं, चंद्रकली बहन हरदोई से आते, उन्होंने फोटो भेजा, और इनके अलावा माया देवी गोरखपुर से आती हैं, और ये बहन है सीमा देवी गाजीपुर से आती हैं, और ये बहन है प्रवेश कुमारी बदायूं से आती हैं। इन्होंने बहुत जो है सब्जियां लगाई हैं, बैंगन वैंगन देखिएगा आप, इनके वहां पे लगने भी लगे हैं। हमारे वहां पर भी आप लोगों ने एक ब्लॉग देखा था, सुधांशु पटेल ब्लॉग के नाम से जो मेरा चैनल है, वहां पर हमने अपने बंगले का एक वीडियो दिया हुआ था। छोटे छोटे जो है पौधे तब लगे हुए थे, अब काफी बड़े हो गए हैं। किसी दिन आप लोगों को वहां का भी हम सैर करवाएंगे, वीडियो दिखाने के लिए ले जाएंगे। सुधांशु पटेल ब्लॉग हमारा जो चैनल, उससे भी आप लोग जुड़ जरूर जाएं, ब्लॉग डालते रहते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रवेश कुमारी बहन ने ये लौकी वोकी भी वहां पर लगने लगी हैं। आगे ये राजकुमारी बहन सोनभद्र से आती है, और इनके अलावा ये एक बहन है मालती मिश्रा बांदा से आती है, और ये एक बहन है प्रगति लता जो कि महोबा से आती है। साथ ही ये बहन है राजकुमारी लखीमपुर खीरी से आती है, और ये राजापति राजावत भिंड जो है यानी भिंड जिले से आती है, राजापति राजावत बहन। इनके अलावा ये मीरा दीक्षित बहन हरदोई से आती है, और इनके अलावा ये
बहन है संगीता जो कि कुशीनगर से आती हैं, और ये एक बहन है वसुधा देवी फरुखाबाद से आती हैं, और ये है सुधा बहन जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं, और ये बहन है ममता गुप्ता सीतापुर से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है वंदना मिश्रा गाजीपुर से आती हैं, और ये बहन है उमेश चंद मौर्या भाई जी के यहाँ से उषा मौर्या बहन है, उनके अलावा ये निर्जा पटेल बहन इटावा से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है तारा देवी गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है सीमा चौधरी बहन वाराणसी से आती हैं, इनके अलावा ये बहन है रीता पांडे बहन बलिया से आती हैं, और ये बहन है मया सिंह बहन अमेठी से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है गीता मौर्या देवरिया से आती हैं, साथ ही ये बहन है सूरजकली बहन रायबरेली से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है पूनम बहन जो कि देवरिया से आती हैं, ये बहन है इनका नाम है रेखा बहन जो कि उन्नाव जिले से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है आशा देवी बाराबंकी से आती हैं, और ये बहन है लक्ष्मी बहन जो कि खंडवा जिले से आती हैं। साथ ही आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगला